हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आईटी फॉर यू आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज की एम सी की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के बारे में सो व्हाट इज नेटवर्क लोड बैलेंसिंग The network load balancing feature distributes traffic across several servers by using the TCP/IP networking protocol. By combining two or more computers that are running application into a single virtual cluster, नेटवर्क लोड बैलेंस प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस फॉर वेब सर्वर्स एंड अदर मिशन क्रिटिकल सर्वर्स। सो गाइस नेटवर्क लोड बैलेंसिंग हम लोग वेब सर्वर के लिए यूज करते हैं और ये टी नेटवर्क प्रोटोकॉल पे काम करता है नेटवर्क लोड बैलेंस की हेल्प से हम लोग हमारे नेटवर्क में जो ट्रैफिक आ रहा है हम उसको बैलेंस कर सकते हैं यानी कि हम लोग एक क्लस्टर बना देंगे और उस क्लस्टर के अंदर हम लोग सर्वर्स बना देंगे तो हमारा क्लस्टर हमारे ट्रैफिक को बैलेंस करेगा यानी कि हमारे क्लाइंट के पास जो आईपी एड्रेस होगा वो हमारे क्लस्टर का आईपी एड्रेस होगा और क्लस्टर ये डिफाइन करेगा कि किस सर्वर के पास किस टाइम कौन सी रिक्वेस्ट जानी है तो यानी कि क्लस्टर हमारा लोड बैलेंस भी करेगा यानी कि हमेशा वो एक रिक्वेस्ट क्लाइंट से एक सर्वर पर नहीं जाएगी तो चलिए इसके बारे में मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है एक क्लस्टर बनाना है यानी कि हम लोग एक रोल इंस्टॉल करेंगे उस तो रोल के अंदर एक फीचर होगा नेटवर्क लोड बैलेंस का और उसके अंदर हम लोग एक क्लस्टर बनाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक क्लस्टर बना लिया और इस क्लस्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट सर्वर बनाएंगे यानी कि ये हमारा क्लस्टर हो गया इस क्लस्टर के अंदर हम लोगों ने ये डिफरेंट सर्वर ऐड कर दिए हैं और किसी भी क्लस्टर के अंदर हम लोग मैक्सिमम 32 सर्वर्स को ऐड कर सकते हैं यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम सर्वर होंगे इस क्लस्टर के अंदर ऐड होंगे मैक्सिमम 32 सर्वर्स तो और यहाँ पर आप अपने पीडीसी एडीसी या जो भी आपका कोई मेम्बर सर्वर है उसके ऊपर भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं सो गाइज फॉर एग्जाम्पल हमारे इस सर्वर का जो आई है वो है वन और उसी तरह हमारे इस सर्वर का जो आईपी है वो है ट्वेंटी डॉट सिक्स हमारे इस सर्वर का आईपी है ट्वेंटी डॉट सेवन हमारे इस सर्वर का आईपी है ट्वेंटी डॉट 8 और हमारे इस सर्वर का आई पी एड्रेस है ट्वेंटी डॉट नाइन उसी तरह हमारे इस सर्वर आई पी एड्रेस है टेन और हमारे इस सर्वर का आई पी एड्रेस इलेवन एंड हमारे इस सर्वर का आई पी एड्रेस है ट्वेंटी डॉट ट्वेल्व और यहाँ पर हम एक सर्वर और एड कर लेते हैं फॉर ये हमारा एक और सर्वर यहाँ पर है और इसको हमने आई पी एड्रेस दिया वन सेवेंटी टू डॉट सिक्सटीन डॉट ट्वेंटी डॉट थर्टीन तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे इस क्लस्टर में हमारे पास टोटल नाइन सर्वर्स हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम इस क्लस्टर को आई पी एड्रेस दे देंगे यहाँ पर ट्वेंटी डॉट हंड्रेड तो यानी कि ये हमारे क्लस्टर का आईपी एड्रेस हो गया और यहाँ पर हमारा एक क्लाइंट है जो कि यहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहा है फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट ने यहाँ से टाइप किया www.facebook.com तो जैसे ही ये क्लाइंट यहाँ से www.facebook.com एक्सेस करेगा अपने ब्राउजर से तो इसकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट हमारे क्लस्टर के आईपी के पास जाएगी जो कि है 20.100 तो जैसे ही क्लस्टर के पास इस क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी कि फेसबुक से facebook.com एक्सेस करना है तो क्लाइंट की इस रिक्वेस्ट को क्लस्टर आगे अपने किसी एक सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस टाइम इसने ट्वेंटी को फॉरवर्ड कर दिया फॉर एक्साम्पल उसी तरह हमारे पास यहां पर एक और क्लाइंट है और इस क्लाइंट ने भी यहाँ से एक्सेस किया फेसबुक और इसकी रिक्वेस्ट भी किसके पास गई हमारे क्लस्टर के आईपी के पास तो इस बार क्लस्टर ने क्या किया जैसे ही उसके पास इस क्लाइंट से ये ये रिक्वेस्ट आई तो इसने ये आगे फॉरवर्ड कर दिया किसी दूसरे सर्वर पे यानी कि ट्वेल्व पे तो यहां पर क्लस्टर का क्या रोल है कि क्लस्टर के पास जैसे ही किसी भी डेस्कटॉप से ये रिक्वेस्ट आएगी कि उसको facebook.com डॉट यूज करना है तो वो आगे रेंडमली किसी भी सर्वर पर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमारे फर्स्ट क्लाइंट ने एक्सेस किया था फेसबुक डॉट कॉम को तो हमारे क्लस्टर ने इसको फॉरवर्ड कर दिया था ट्वेंटी डॉट फाइव के पास बट फॉर सम रीजन अगर ये हमारा सर्वर किसी वजह से यहाँ पर बंद हो जाता है तो उसके बाद क्लस्टर अपने आप ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा किसी दूसरे सर्वर पर यानी कि इस टाइम वो ये फॉरवर्ड कर देगा ट्वेंटी डॉट सिक्स पर और फॉर सम रीजन अगर ये हमारा ट्वेंटी डॉट सिक्स भी यहाँ से अगर बंद हो जाता है तो ये उसके बाद फॉरवर्ड कर देगा हमारे किसी दूसरे सर्वर पर यानी कि हमारा किसी भी तरह का कोई यहाँ पर काम नहीं रुकेगा यानी कि अगर हमारा एक सर्वर अगर बंद भी हो जाता है तो भी दूसरे सर्वर पर उसकी रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट चली जाएगी और वो क्यों जाएगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्लस्टर कोई यूजर तो उस वेबसाइट को एक्सेस तो करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट क्लस्टर के पास जाएगी और उस क्लस्टर में फिर वो ये चेक करेगा कि कि कितने सर्वर वहां पर एड किए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देगा तो आई होप क्लियर हो गया क्लस्टर क्या है और कैसे से काम करता है यानी कि सबसे पहले हमें क्लस्टर बनाना और उस क्लस्टर के अंदर हमें सर्वर्स ऐड करने हैं और बेसिकली जो सर्वर हम क्लस्टर के अंदर ऐड करेंगे उनको हम नोड बोलते हैं यानी कि ये हमारा नोड वन है एंड उसके बाद जो हमारे जो डिफरेंट सर्वर है ये हमारा नोड टू है ये हमारा नोड थ्री है एंड उसी तरह हमारे ये सारे नोड्स हैं यानी कि हमारे जितने भी सर्वर हमारे क्लस्टर में ऐड हैं उनको नोड बोलते हैं यानी कि ये हमारा नोड नाइन है यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पर नो सर्वर है तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम यहाँ पर क्लस्टर के अंदर जितने भी सर्वर हैं हम उनको नोड से रिप्रेजेंट करते हैं नोड वन नोड टू नोड थ्री नोड फोर यानी कि 32 टू सर्वर तक आप एक क्लस्टर में ऐड कर सकते हैं तो आप 32 टू नोट्स एड कर सकते हैं सो गाइस प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले अभी कुछ बेसिक डिटेल्स और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं यानी कि जो क्लस्टर है जो हम लोगों ने क्लस्टर बनाया है वो क्लस्टर क्या है यानी कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एक से ज्यादा जितने भी कंप्यूटर्स होंगे हम उनको क्लस्टर बोलते हैं एंड ये नेटवर्क लोड बैलेंसिंग जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था ये टी सी पी आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है और हम लोग ये नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का सर्वर वेब सर्वर के लिए यूज करते हैं तो so गाइज इसकी रिक्वायरमेंट क्या है सो so, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सबसे पहले आई का रोल इंस्टॉल करना है और उसके साथ ही एन का फीचर भी ऐड करना है यानी कि जब आप आई रोल इंस्टॉल करते हो और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो उसमें ऐड फीचर का ऑप्शन आएगा उस ऐड फीचर ऑप्शन के अंदर आपको नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का ये फ़ीचर ऐड करना है तो इसके एडवांटेजेस क्या है तो उसके बाद आप उसमें 32 सर्वर तक ऐड कर सकते हैं तो उसमें हाई अवेलेबिलिटी का क्या होगा इट प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी एज इट डिटेक्ट द फेलियर ऑफ ए सर्वर यानी कि क्लस्टर के अंदर जैसे ही कोई एक सर्वर फेल होगा तो अगर क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने आप दूसरे सर्वर पर चली जाएगी यानी कि आपने अगर फेसबुक डॉट कॉम क्लाइंट मशीन से एक्सेस किया और आपकी रिक्वेस्ट अगर क्लस्टर के आईपी के पास जाती है तो क्लस्टर ऑटोमेटिकली जो भी सर्वर होगा उसके पास फॉरवर्ड कर देगा और उसके बाद है स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी में क्या होता है एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन इंक्रीज अपू थर्टी टू सर्वर्स इन योर सर्वर क्लस्टर यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में ही थर्टी टू सर्वर एड करने है. अगर आप दो सर्वर या तीन सर्वर से काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है यानी कि अगर आपके क्लाइंट बढ़ जाते हैं यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी तीन सर्वर है और आपके टू के लिए वो है और अगर कल को आपकी कंपनी में यूजर्स इंक्रीज हो जाते हैं यानी कि फाइव हंड्रेड यूजर्स हो जाएंगे तो आप उसमें और सर्वर ऐड कर सकते हो यानी कि आप वहां पे पांच से छह सर्वर एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं तो इस तरीके से थर्टी टू सर्वर्स तक आप अपने क्लस्टर में बना सकते हैं और गाइज उसके बाद वर्किंग ऑफ नेटवर्क लोड बैलेंसिंग यानी कि ये जो काम करता है ये पोर्ट्स पे काम करता है यानी कि आपको वो पोर्ट्स अलाउ करने होते हैं जो पर्टिकुलर पोर्ट होगा वो आपको अलाउ करना होता है उसके बाद प्रायोरिटीज यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर बनाया उसके अंदर जो पहला सर्वर ऐड किया तो आप उस पर्टिकुलर सर्वर को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा सेकंड पे होगा थर्ड पे फोर्थ पे फिफ्थ पे ऐसे आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं हर सर्वर के लिए यानी कि अगर आपने अपने क्लस्टर में दस सर्वर एड किए तो आप उन दस सर्वर्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि किस सर्वर को कौन सी प्रायोरिटी दें

यानी कि जो सेशन बन रहा है आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में तो वो किस तरीके से बनेगा अब एफिनिटी भी तीन तरह की होती है नो एफिनिटी सिंगल एफिनिटी एंड क्लास सी एफिनिटी तो इसके बारे में मैं आगे, आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा तो अभी फिलहाल एफिनिटी के लिए आप ये जान सकते हैं कि एफिनिटी वो चीज है जिसके थ्रू आपका जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो सेशन क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे मेंटेन करना है एंड उसके बाद क्लस्टर ऑपरेशन मोड्स अब क्लस्टर ऑपरेशन मोड्स के अंदर तीन मोड होते हैं यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एंड आई जी एम पी मल्टीकास्ट आई क्या होता है इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल अगर आपको यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी आईपी एड्रेस की वीडियो देख सकते हैं वहां पर भी मैंने यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट के बारे में बेसिक एक्सप्लेन किया है तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि कैसे हम क्लस्टर बनाएंगे और कैसे हम क्लस्टर के अंदर सर्वर ऐड करेंगे और फिर ये कैसे हमारी वेब एप्लीकेशन के लिए काम करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए चलता हूं मैं अपने सर्वर की मशीन पर तो यहां से मैं कनेक्ट कर लेता हूं पीडीसी को और इसके लिए आपको मिनिमम दो सर्वर चाहिए यानी कि मिनिमम टू सर्वर की रिक्वायरमेंट है अगर आपके पास दो सर्वर है तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं और ये सर्वर कोई भी हो सकते हैं यानी कि अगर आप मेंबर सर्वर पर इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो मेंबर सर्वर पर भी कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि आपको एडीसी या पीडीसी पे ही करना है इफ यू वांट सो यू कैन कंफिगर विद मेंबर सर्वर एज वेल तो ये हमारा पी है तो इसके साथ मैं अपने ए को भी कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल ए अवेलेबल है तो हम ए पे कर लेते हैं अगर आपके पास मेम्बर सर्वर है तो आप मेम्बर सर्वर पर भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मैं चलता हूं अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर और यहां पर उस रोल को ऐड कर लेते हैं यानी कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का फीचर ऐड करने के लिए आपको आई का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा तो जैसे कि मैंने बताया था कि नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का जो फीचर है वो हम लोग सिर्फ वेब सर्वर के लिए यूज करते हैं वी ओनली यूज एन एल बी फॉर वेब सर्वर सो वट यू नीड टू डू नेक्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट यू नीड टू चेक योर नेम लाइक मेक श्योर आपका जो यहाँ पर जो नाम है आपके सर्वर का वो सही होना चाहिए

अवेलेबल है यानी कि ये फीचर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है मैं इसको यहां से देता हूं एंड एड फीचर एंड आफ्टर दैट यू नीट टू क्लिक अगेन ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट यहां से सारी चीजें बाई डिफॉल्ट रहेंगी रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर ये इंस्टॉल सेम थिंग यू नीट टू परफॉर्म ऑन यूर सेकंड सर्वर सो यहां से मैं चलता हूँ अपने सेकेंड सर्वर पर सो गो टू हेयर एड रोल्स एंड फीचर्स देन क्लिक नेक्स्ट next and you need to check your server name and ip address next after that you need to select web server ios click on add features next and from here you need to scroll down and you need to select network load balance so we need to select this feature network load balancing add features click next 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 restart this destination server automatically if required click yes and install सो लेट्स गो ऑन आवर फर्स्ट सर्वर और वहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारे सर्वर पे जो रोल है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है बट मेक श्योर आपके ये दोनों सर्वर पर जब रोल इंस्टॉल हो जाए उसके बाद ही आपको ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है अगर आप यहाँ पर पहले कन्फिगर कर देंगे और उसके बाद अगर आपका दूसरे सर्वर पर रोल इंस्टॉल नहीं हुआ है तो, तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा तो यहाँ से हम इसको करेंगे क्लोज एंड मेक श्योर यहाँ से टूल्स में आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर ये नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर का फीचर अवेलेबल हो एंड देन हम लोग चेक कर लेते हैं अपने सेकेंड सर्वर पर भी तो यहाँ पर अभी हमारा फीचर इंस्टॉल हो रहा है तो चलिए इसके लिए वेट करते हैं जब तक ये फिनिश होता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो रोल है वो इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे क्लोज और यहाँ भी हमें जाना है टूल्स में तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर ये अवेलेबल है सो so, आप किसी भी सर्वर पर ये कन्फिगर कर सकते हैं यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको एडीसी पे करना है या पीडीसी पे करना है या किसी और मैंबर सर्वर पर करना है आप जिस सर्वर से भी ये एड करेंगे वो अपने आप रेप्लीकेट हो जाएगा तो चलिए चलते हैं अपनी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आपको क्लिक करना है टूल्स पर टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपका नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर का कंसोल है अगर मैं यहां से इसको एक्सपेन्ड करता हूं तो एक्सपेन्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्लस्टर बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट ए क्लस्टर सो वट यू नीड टू डू आप राइट right क्लिक करेंगे न्यू क्लस्टर देन यहाँ पर आपको अपने सर्वर वर्क एड्रेस देना है यानी कि जो मैंने आपको यहां से एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जो ये क्लस्टर बना रहे हैं तो यहां पर आपको सर्वर का एड्रेस देना है यानी कि हमारे सर्वर का आई पी एड्रेस है ट्वेंटी डॉट फाइव ट्वेंटी डॉट सिक्स ट्वेंटी डॉट सेवन तो हमें यहाँ से अपने सर्वर का एड्रेस देना है तो अभी मैं फिलहाल क्या करूंगा मैं यहां से अपने सर्वर का एड्रेस देता हूँ तो यहां से मैं अपने सर्वर का एड्रेस मेंशन कर देता हूं यानी कि वन सेवेंटी टू सिक्सटीन डॉट ट्वेंटी डॉट फाइव एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन कनेक्ट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन स्टेटस में हमारे पास कनेक्टेड आ गया है देन अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यहां से आप प्रायोरिटी चूज कर सकते हैं यानी कि यूनिक होस्ट वन से प्रायोरिटी तो से से दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक क्लस्टर में आप मैक्सिमम थर्टी टू सर्वर बना सकते हैं यानी कि 32 टू नोट्स बना सकते हैं तो आप इसमें यहाँ से प्रायोरिटी दे सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इस सर्वर को मैं प्रायोरिटी देता हूं वन एंड यहाँ से जो डिफॉल्ट स्टेट रहेगी वो रहेगी स्टैंडर्ड तो इसके लिए मैं अभी क्लिक करता हूं नेक्स्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपसे पूछ रहे हैं द क्लस्टर आईपीए एड्रेसेज आर शेयर बाय एवरी मेंबर ऑफ द क्लस्टर फॉर लोड बैलेंसिंग द फर्स्ट आईपी लिस्टेड इज कंसिडर्ड द प्राइमरी क्लस्टर एड्रेस एंड यूज फॉर क्लस्टर हार्ट बीट्स यानी कि इसमें क्या होता है जब आप एक क्लस्टर के अंदर सर्वर्स बनाते हैं तो वो हर एक सर्वर्स को एक हार्ट बीट भेजता है यानी कि हार्ट बीट में क्या होता है वो कनेक्शन टेस्ट करता है कि कितने सर्वर अप हैं और कितने सर्वर ऑफलाइन है तो यहाँ से मुझे क्या करना है यहाँ से मुझे अपने क्लस्टर का आई एड्रेस देना है यानी कि यहाँ से मुझे क्या आई एड्रेस असाइन करना है ट्वेंटी तो हंड्रेड आई असाइन करने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ अपने डीएससी सर्वर पर कि हम लोगों ने डी सर्वर पर हंड्रेड किसी आई को असाइन किया है या नहीं यानी कि हम लोगों ने वहाँ पर कोई स्कोप बनाया है तो किसी पर्टिकुलर स्कोप के लिए हमने असाइन किया है या नहीं तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो स्कोप मैंने बनाया था लास्ट टाइम एड्रेस पूल में तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एड्रेस पूल में हंड्रेड से हंड्रेड एंड एड्रेस दिए थे तो हंड्रेड अभी हम लोगों के पास फ्री है तो मैं यहाँ से हंड्रेड क्लस्टर को आई असाइन कर सकता हूँ तो यहाँ से आपको आई एड्रेस देना वन सेवेंटी टू डॉट सिक्सटीन ट्वेंटी डॉट हंड्रेड यानी कि ये हमारे क्लस्टर का आई है ये कौन सा आई है ये हमारे क्लस्टर का आई है जो यहाँ पर हम लोगों ने दिया यानी कि ये इस आईपी एड्रेस को हम लोगों ने क्लस्टर के लिए असाइन कर दिया है तो उसके बाद मैं यहां से क्लिक करूंगा ओके okay. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लस्टर का आई एड्रेस असाइन हो चुका है एंड नेक्स्ट और उसके बाद यहां से आप डिटेल देख सकते हैं क्लस्टर आई एड्रेस के जो डिटेल है वो यहां पर आ गया आई एड्रेस और जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लस्टर ऑपरेशन मोड तो यहाँ पे यूनिकास्ट है मल्टीकास्ट है एंड आईजीएमपी मल्टीकास्ट है आईजीएमपी जो जो मैंने आपको बताया था इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल तो बेसिक आप ये जान सकते हैं कि यूनिकास्ट अगर आप एक सर्वर के साथ अगर कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो यूनिकास्ट हो गया जहाँ पर आप मल्टीकास्ट कर रहे हैं यानी कि मल्टीपल यूजर्स को कॉन्टेक्ट हैं तो वो बेसिकली मल्टीकास्ट होता है बट ये ओनली एक बेसिक डेफिनेशन है बट एग्जैक्टली यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट क्या क्या होता है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में भी एक्सप्लेन करूंगा और मैंने कुछ एक्सप्लेन किया आई एड्रेस की वीडियो में भी तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और आने वाली सी सी एन ए की वीडियो में भी मैं आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है तो अभी यहाँ से फिलहाल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मल्टीकास्ट एंड उसके बाद क्लिक करता हूँ नेक्स्ट तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल्स यानी कि अभी आपके पास जो यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं और यहाँ से आपके पास आ रहा है एफिनिटी यानी कि एफिनिटी में हमारे पास यहाँ क्या शो कर रहा है सिंगल अगर मैं यहाँ से एडिट करता हूँ तो यहाँ से भी आप एफिनिटी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीपल होस्ट एफिनिटी नन रखनी है सिंगल रखनी है या नेटवर्क रखनी है और पोर्ट रेंज का जैसे मैंने बताया था कि आपको पोर्ट रेंज असाइन करना होता है तो पोर्ट रेंज भी आप जीरो से लेके और इस पोर्ट रेंज तक दे सकते हैं ये एक्जैक्टली exactly कैसे काम करता है और क्या होता है ये मैं आपको आगे आने वाली एम की एडवांस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि हमारा जो ये सर्वर है यहाँ पर ऐड हो चुका है बट अभी ये इन प्रोग्रेस है तो वेट करते हैं कि ये हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाए यानी कि अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्टेटस नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इन प्रोग्रेस है तो हम लोग वेट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास जो स्टेटस है वो अनेबल्ड आ गया यानी कि जो स्टेटस है वो अनेबल्ड हो गया यानी कि हमारा सर्वर ऐड हो गया है तो अभी आपको क्या करना है आपका जो ये क्लस्टर बन गया है इस क्लस्टर के अंदर आपको एक और सर्वर ऐड करना है अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ऑप्शन देखता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा एड होस्ट टू क्लस्टर तो यहाँ से मैं एक सर्वर को और ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ से हमें कौन सा आई एड्रेस देना है हमारे सेकंड सर्वर का यानी कि मेरे सेकंड सर्वर का एड्रेस है वन सेवेंटी टू यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोगों ने ऑलरेडी प्रायोरिटी सेट कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है होस्ट प्रायोरिटी वो वन है तो यानी कि इस सर्वर की हमें क्या प्रायोरिटी देनी है सेकंड तो यहाँ से आपकी जो भी प्रायोरिटी है वो आप सेट कर सकते हैं तो मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ नंबर टू क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश तो अभी यहां पर आपको पेंडिंग दिखा रहे है, तो का मतलब अभी ये कर रहा है पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्स्ड हो चुका है फर्स्ट वाला और जो सेकंड ये पेंडिंग है क्योंकि ये अभी कॉन्टेक्ट कर रहा है हमारे सेकंड सर्वर से तो वेट करते हैं इसका कन्वर्ज होने का तो यहां से आप देख सकते कि हमारा सेकेंड सर्वर भी जो है वो कन्वर्ज हो चुका है यानी कि अब हमारे दोनों सर्वर रेडी है क्लस्टर के लिए तो अभी हमें टेस्ट करना है कि हमारा जो क्लस्टर है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं टूल्स पर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ से आपको जाना है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आई मैनेजर तो यहाँ से मैं आई मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ आई मैनेजर को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर आप अपने डी का नाम देख सकते हैं और उसके बाद आपको क्लिक करना साइट्स पर साइट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो डिफॉल्ट वेबसाइट यहाँ पर एक बनी हुई है तो ये सर्वर की डिफॉल्ट वेबसाइट है यानी कि यहाँ से अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्टिंग कर सकते हैं तो अगर इस आप डिफॉल्ट वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ब्राउज वेबसाइट अगर मैं ब्राउज पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये बाई डिफॉल्ट आपके इंटरनेट एक्सप्लोर में एक्सेस हो जाएगा यानी कि ये हमारी डिफॉल्ट वेबसाइट है जो लोकल होस्ट के साथ काम कर रही है अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर आई पी एड्रेस साइन करता हूँ यानी कि मैं अगर इसको आईपी एड्रेस से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं अगर मैं यहाँ से टाइप करता हूँ इस सर्वर का आई पी एड्रेस तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये यह वेबसाइट अवेलेबल है यानी कि हमारी जो यानी कि हमारा जो आई ए एस है उसके ऊपर जो डिफॉल्ट वेबसाइट है वो काम कर रही है अब अगर मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ से अपने दूसरे सर्वर का एड्रेस असाइन करता हूँ तो देखते हैं कि हमें वो वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं तो देखिए ट्वेंटी डॉट सिक्स से भी हमारे पास ये वेबसाइट आ रही है और ट्वेंटी डॉट फाइव से भी हमारे पास ये वेबसाइट एक्सेस हो रही है तो यानी कि ये वेबसाइट अवेलेबल है दोनों सर्वर्स पर तो अब हमारे ट्वेंटी डॉट फाइव और ट्वेंटी डॉट सिक्स से तो ये वेबसाइट चल रही है तो अब यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल क्या करना है कि हम लोगों को हमारे क्लस्टर आईपी के साथ ये एक्सेस करना है तो अगर मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ वन तो क्या हमारी वेबसाइट काम करती है तो चलिए देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं 20.100 से भी ये वेबसाइट एक्सेस हो पा रही है और अगर इस सेम आईपी को अगर मैं कहीं किसी दूसरे सर्वर पर एक्सेस करता हूं यानी कि यहां से मैं चलता हूं अपने एडीसी पर तो यहां से हम लोग ओपन कर लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर और यहां पर मैं टाइप करता हूं 172.16.100 तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट अवेलेबल है यानी कि हम लोगों ने क्लस्टर का आईपी दिया था 20.100। तो अभी हम लोगों ने ये वेबसाइट एक्सेस किया ए डीसी से तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी सर्वर था वो कौन सा था हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सर्वर 20.5। तो यहां पर अगर आपको मैं शो करता हूँ यहां पर हमारा जो आई टी फॉर यू डी ये प्रायोरिटी फर्स्ट में है तो अब अगर मैं इस सर्वर को यहां से ऑफलाइन कर देता हूं तो क्या ये हमारा सर्वर एक्सेस हो पाएगा तो इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ तो अब देखिए अब चलते हैं अपने ए पर और देखते हैं कि हमारे क्लस्टर से क्या हम इस आई को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं यानी कि अगर मैं वन अगर यहाँ से एक्सेस करता हूँ तो क्या हम इसको एक्सेस कर पाते हैं तो यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और एक नए में हम लोग फिर से ओपन करते हैं वन सेवेंटी यस तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से ये वेबसाइट अवेलेबल है और अगर मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ 172.20 172.20.6 तो आप ये देख सकते हैं ये इसी सर्वर का है तो यहाँ पर ये वेबसाइट अवेलेबल है अगर मैं यहाँ से 20.5 डॉट फाइव करूंगा तो वो यहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सर्वर अभी ऑफलाइन है तो इस केस में क्या हो रहा है तो हमारा जो क्लस्टर का एड्रेस है वो डिसाइड करता है कि कौन सा सर्वर आप है तो उसके पास वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा देखिए यहाँ से ट्वेंटी एक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सर्वर ऑफलाइन है और यहाँ से हम लोग ट्वेंटी डॉट सिक्स भी एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये इसी सर्वर पर है और ट्वेंटी डॉट हंड्रेड हमारे क्लस्टर का एड्रेस है तो अभी अगर मैं यहाँ से प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को ऑन कर देता हूँ यानी कि यहाँ से मैंने नेटवर्क अडेप्टर को एनेबल कर दिया है तो गाइस अभी आपको क्या करना है कि अभी हम लोग जो एक्सेस कर रहे हैं ट्वेंटी डॉट हंड्रेड को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं एड्रेस के साथ लेकिन आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल है तो अगर आपको यह नाम से एक्सेस करना तो आप कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो उसके लिए आपको जाना होगा टूल्स में उसके बाद आपको जाना डीएनएस में यानी कि आपको डीएनएस में इस आई एड्रेस की एंट्री करनी पड़ेगी तो फोवर्ड लुकअप जोन में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जाना आई में तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था डीएनएस की वीडियो में कि आपका कौन सा रिकॉर्ड किस चीज़ के लिए बनता है अगर आप श्योर नहीं है कि कौन सा रिकॉर्ड किस चीज़ के लिए बनता है तो आप मेरी डीएनएस की वीडियो जरूर देख सकते हैं कि वहां पर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड है ये किस रिकॉर्ड के लिए कौन सी एंट्री होती है तो यहाँ पर हमें अभी क्या करना है हमें अपने क्लस्टर को नाम देना है यानी कि हमारे जो क्लस्टर का आईपी एड्रेस है उसको नाम देना है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे होस्ट ए रिकॉर्ड अगर आपका आईपी पी वोशन फोर है तो होस्ट ए रिकॉर्ड बनेगा अगर आपका आईपी पी वोशन सिक्स है तो क्वाड ए रिकॉर्ड बनेगा तो यहाँ से आपको क्या करना है आप राइट right क्लिक करेंगे यहाँ से आपको क्लिक करना है न्यू होस्ट तो यहाँ से अगर मैं नाम देता हूँ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट क्या होता है जो आप अपनी कंपनी से बाहर जो एक्सेस कर रहे हैं वो इंटरनेट है और इंटरनेट क्या है जो आप अपनी कंपनी में यूज़ कर रहा है यानी कि ओनली आप अपनी कंपनी के लिए ही यूज़ कर रहे हैं यानी कि आपकी इंटरनल कंपनी के लिए जो वेबसाइट होती है हम उसको इंटरनेट बोलते हैं तो यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया इंटरनेट और इसका जो फुली क्वालिफाइड डोमेन है वो है इंटरनेट डॉट आई टी फॉर यू डॉट इन यानी कि इस एड्रेस के साथ हम इसको एक्सेस कर सकते हैं तो और यहाँ से मैं अपने क्लस्टर का आई पी एड्रेस दे दूँगा ट्वेंटी डॉट हंड्रेड और उसके बाद आपको यहाँ से एड होस्ट करना है तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है एंट्री हो चुकी है इसके लिए ए रिकॉर्ड बन चुका है तो चलिए अब चलकर देखते हैं कि क्या हम इस नाम से इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से मैं ये सारी क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं टाइप करूँगा इंट्रानेट डॉट आई टी फोर यू डॉट इन यानी कि इस नाम की एंट्री हम लोगों ने डी एन एस पे की है तो यहाँ से मैं करूँगा एंटर तो देखिए यहाँ पर हम लोग इंटरनेट डॉट आई टी फॉर यू डॉट इन के नाम से ये वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं यानी कि जो भी आई पी एड्रेस आपके पास है अगर आप उसको नाम से एक्सेस करना चाहते तो आपको यहाँ पर डी एन एस में एंट्री करनी पड़ेगी अगर आपका आई पी वोशन फोर है तो आपको होस्ट ए रिकॉर्ड बनाना है अगर आपका आई पी वोशन सिक्स है तो आपको क्वाड ए रिकॉर्ड बनाना है तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे वेबसाइट को नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप, आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हमारे पास जो सर्वर है अगर हमारा 20.5 या 20.6 अगर डाउन भी हो जाता है और अगर हमारे पास 20.7 है या 20.8 या 20.9 है तो वो रिक्वेस्ट क्लस्टर इन सर्वर्स पर रीडायरेक्ट कर देगा तो आई होप यहाँ तक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्लस्टर क्या है और ये कैसे काम करता है और क्लस्टर हम लोग बनाते हैं स्पेशली फॉर वेब सर्वर यानी कि वेब सर्वर पर अगर हमें लोड बैलेंसिंग करनी है तभी हम लोग ये फीचर एड करते हैं आई के अंदर तो जैसे कि मैंने डी एन एस में यहाँ पर एंट्री की है और ये हमारी वेबसाइट है यानी कि ये डिफॉल्ट वेबसाइट है तो ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट होती है जो आपके आई एस पर बनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट तो और यहाँ से आप राइट साइड में से यहाँ पर मैनेज वेबसाइट में रीस्टार्ट स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं इस वेबसाइट को अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखना चाहते हैं कि ये वेबसाइट की फाइल्स कहाँ पर सेव है तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको जाना है दिस पी सी में यहाँ से आपको जाना है सी ड्राइव यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सेकंड फोल्डर आई नेट पब यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए इसके बाद आपको जाना है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रूट में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज है ये वेबसाइट की इमेज है हमारे पास और यहाँ पर ये हमारा एच का वो एड्रेस है यानी कि ये इस वेबसाइट का एस पेज है अगर आपको एच की कोडिंग आती है तो यहाँ से भी आप इसमें इसको राइट right क्लिक करके ओपन विद नोट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको एच टी यहाँ पर अगर आपको एच टी लैंग्वेज आती है तो आप अपनी कोडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग क्लस्टर बनाते हैं और क्लस्टर कैसे काम करता है तो आज की इस वीडियो में गाइज इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं आपसे एम की नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग